तो भाई एक ने गट्स करके जाने की कोशिश करी है, तो उसे देसी भाषा में बोलते हैं कि टाइम पास करना, जिंदगी ऐसे मजे तुम लोग ले रहे हो। कल का प्लान तो फिक्स हो गया है, तो ये सारे बच्चे पानी ऐसे पकड़ेगा भाई, एक में खाना लगा। इतनी मस्त फाइट हो गई, एक दूसरे की चंडी मार दी। ओ तेरी। सिम्बा क्या हुआ, चिल्ला रहा है रे? सिम्बा सिम्बा सिम्बा, ओ सिम्बा को छोड़ के चले गए सब। अरे तेरा गला उजर उजर। लॉकी चल तुझे पाती हूँ। ये लॉकी कौन है? लॉकी। लॉकी कौन है? इसकी बुआ का। आजा, ये लौकी इधर की बैठ गया। लौकी आजा, थक गया ये। ओरो ओरो ओ भाई साहब। अच्छा सिम्बा ले, सिम्बा ओए। ये बड़ा है ना, एक दूसरे की एक टांग पकड़ रहा है, एक पूंछ पकड़ रहा है। इन दोनों शांत नहीं बैठ सकते साथ में। तो गाइस ये तो हमारा पुराना पे शेर है सिम्बा, और इसका एक नया दोस्त बोलो या दुश्मन बोलो, बताए समझ में नहीं आ रहा। यार रॉकी, लौकी गरिमा कहते इसको, लौकी। सुबह सुबह आता है हमारे घर पे, एक चक्कर मार के जरूर जाएगा, है ना? चल जा, देख क्या नजर अंदर। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, दे रहा हूँ। कुतरी जल्दी है दलिया खाने की, आ जा। तुम लोग भी खाते हो दलिया? नहीं खाते? क्या खाते हो? पराठे? पराठे खाते हैं। कौन से पराठे खाए आज? आलू के। आलू के? नहीं आलू के नहीं, हींग के घी। अच्छा घी के पराठे। ये सिम्बा की मालकिन गरिमा, और ये इसकी फ्रेंड। ये बेस्ट फ्रेंड है गरिमा तेरी? कौन सी क्लास में दोनों? क्यों तुम्हें नहीं पता? एक साथ पढ़ते, तुम्हें नहीं पता? तुम नहीं पढ़ती तो तुम्हें नहीं पता कौन सी क्लास में तुम? फर्स्ट में डालने वाले हो? फिर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ही नहीं अभी ले। चलो खत्म हो गया, आ जाओ। कुछ नहीं देख यहाँ पे, बार बार देख रहा है, कुछ होगा। और पीछे पीछे आ जा, कुछ नहीं है सिम्बा मेरे पास। हो बटन जैसी आ गया एकदम गोल गोल, ये देख। चलो बाय बाय। आ रहा है क्या? चल आंधे इसको, आंधे कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाए, अपने आप ही आ जाएगा यहीं पे ये। वैसे तो सोच रहा था कि ये व्लॉग अपने घर के पास ही करूं, लेकिन ये व्लॉग थोड़ा कुछ खास होने वाला है। यहाँ पे वैसे भी कई बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अभी इस वाले ट्रिप में फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। ये है सरयू नदी सामने की तरफ। व्लॉग करते हुए तभी मेरा ध्यान जाता है इन बच्चों पर, जो अपनी बॉल को वापस पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। ये सब देखते हुए इतना सस्पेंस बन गया था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह छोड़ के सिर्फ यही देख रहा था। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि कैसे ये बच्चे अपनी बॉल को वापस लेके आते हैं नदी में से। कोशिश तो काफ़ी वो भी कर रहे थे, बट बॉल पास आने की वजह दूर जाती जा रही थी। और मुझे हर एक ये छोटी छोटी चीज़ें गांव में काफ़ी पसंद आती है, कि कैसे इतना बड़ा प्लेग्राउंड ना होने के बावजूद कैसे बच्चे मैनेज करते हैं एक छोटे से ग्राउंड में खेलना, क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर इतना बड़ा ग्राउंड नहीं मिलता खेलने के लिए। और फिर उनके पास कुछ ऐसे स्ट्रगल भी होते हैं जहाँ पर बॉल पहाड़ों से नीचे गिर जाती है, नदी भी गिर जाती है, और फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रगल कि बॉल को वापस लेके आओ। तो यहाँ पे बॉल फंस गई है, देखो पूरी ऊपर पब्लिक देख रही है। तो भाई एक ने गट्स करके जाने की कोशिश करी है, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं ताकि जो पानी में वेव बने और इस तरफ बॉल आ जाए। ये शाबाश। बाय द वे वो स्कूल के स्टूडेंट है जिसने अपने कपड़े वगैरह खोले और फिर चला गया पानी या बॉल निकालने के लिए। ऊपर गवर्नमेंट स्कूल है तो मेरे ख्याल से वहाँ पे शायद वॉलीबॉल या फुटबॉल खेल रहे थे वो लोग, और कैसे उन्होंने किक करी या बॉल मारी उन्होंने और सीधे आके गिरी नदी में। मैं कह रहा क्या मस्ती चल रही है। चलो देखते किसका दूर तक जाता है सबसे। मेरा जाएगा सबसे दूर।
मेरा भरोसा। बेटे ये लग रहा है एक्सपर्ट, सारा कोरोना यहीं पे गुजार दिया लग रहा है। तो इसके लिए कौन सा पत्थर पकड़ना पड़ता है, पतला वाला? गोल। ऐसा प्लेन पत्थर सीधा। ऐसा प्लेन ना? ये चलेगा? ये वाला नहीं चलेगा? ये ले, कैसे वाला है? इसको फेंक दूंगा मैं। दिखा ना कैसे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है? अच्छा ऐसे पानी की तरफ मार रहा होता है या फिर ऊपर ऊपर मार रहा होता है? नहीं पानी की तरफ, सीधा प्लेन प्लेन वाला। तेरी तो कहीं और ही चला गया, टेढ़ा मेढ़ा चला गया। ये गया सही भाई मेरा। ओ भाई ये किसने मारा? सही गया था यार, इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो आरे में रहते। तुम लोग भी आरे में रहते हो? सब आरे वाले हो? शाबाश, टैलेंटेड है, आरे वाले हैं सब लोग। हम एक ही गांव के, आरे गांव के। तो ये लोग खेल रहे थे, मैंने पहचान लिया, मैंने कहा यार ये तो जान पहचान गए, तो इनके साथ ही मैं थोड़ा वो सीख रहा हूँ। क्या बोलते हैं इस गेम को, क्या बोलते हैं बताओ? तो उसे देसी भाषा में बोलते हैं टाइम पास करना। तो तुम लोग क्या अभी क्लास से फ्री हो गए सारे? तो ऑनलाइन क्लास भी चल रही? बहुत बढ़िया भाई साहब, जिंदगी ऐसे मजे तुम लोग ले रहे हो। तो तुम्हारे स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लास भी छोड़ दी? कह रहे नहीं, कह रहा पत्थर फेंको नदी में जाओ। तुम लोगों को तैरना आता है? है तुम लोग आते हो यहाँ पे तैरने के लिए? गर्मियों में आते हो ना, अभी थोड़ा ना इतनी ठंडे पानी तैरने के लिए। 2 बजे के बाद गर्म? अब कब आओगे? कल आएगी 2 बजे? भाई मेरे को बुला लेगा एक बार, क्योंकि तो मेरे घर जानता है ना। तुम लोग जानते हो? ये जानते है। हाँ। मेरे को बुला लेगा? हाँ। मैं भी आऊंगा तैरने। भाई मेरे को स्विमिंग पूल में तैरना आता है, नदी में तैरना नहीं आता मेरे को। अरे जैसे स्विमिंग पूल में तैरता वैसे नदी में। कहाँ जाए, कहाँ पे तैरते हो? यहाँ पे? नहीं, मेरी वीडियो बनाना। हाँ हाँ सबकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, लेकिन मेरे को बुला लेना, ठीक है? तो तैरते हो या वैसे खड़े रहते हो? कितना गहरा है? अच्छा बाप रे, 50-60 फीट तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। ओ वहाँ तो भी 100 से 200 फीट। 100 से फीट? 100 फीट पता कितना हो गया? उससे भी छह। ये पेड़ से भी ऊपर हो गया 100 फीट? वहाँ बहुत गहरे हो। अच्छा तो लेकिन तुम लोग ही सिखाओगे मेरे को, ठीक है? मेरे को भाई मैं डूब जाऊँ तो तुम्हारे तुम लोगों की जिम्मेदारी, ठीक है? सारे आरे वाले आते हो? अच्छा मैंने ना आपकी ब्लॉग देखी थी, आप मेरे घर से होते हुए तो आए थे जिस दिन वो था, क्या बोलते हो, करवा चौथ? हाँ करवा चौथ के वो। आप इसके अम्मा से मिले थे सीढ़ी में? अच्छा वो एक दांत वाली अम्मा जो है वो तेरी है? हाँ आप सारे निकाल लिए उस अम्मा ने तो। सारे क्या, एक ही तो बचा था। तो गाइस कल का प्लान तो फिक्स हो गया, तो ये सारे बच्चे। अब पता है तुम लोगों का क्या लगा हुआ है? बूबू लगा तुम लोगों का? मैं पता तुम्हें, मेरे को तो गांव में सभी बोलते जितने बच्चे सब तेरे नाती पोते लगे। मैंने कहा बाय गॉड अपने बच्चे नहीं हुए लेकिन बूबू बन गए पहले मैं। तो गांव में ये होता है। तो अपना कल का ब्लॉग फिक्स है गाइस, अगर आधे वाला ब्लॉग जरूर देखना, ये तीन और बाकी कितने 5-6 जने और होंगे, 5-6 जने मिल गए हम लोग। अच्छा तो कल हम लोग यहाँ पे पीछे की तरफ तैरेंगे, हम वहाँ से जाएंगे, वो वहाँ कपड़े खोलेंगे और यहाँ से सीधा, नहीं मतलब जहाँ से तुम लोगों को सही लगे तुम बताना, मैं तुम लोगों को फॉलो करूंगा, ठीक है? बस आप स्लो मोशन में मारना, ओ मारना। नहीं नहीं मैं तैरूंगा बस, तुम लोग जंप मारना, मैं तुम लोगों की वीडियो बनाऊंगा। मेरे को बस ऐसी जगह लगाना सेफ जगह, एक बार तैरना आगे फिर जंप मारूंगा, है ना? इसको नहीं आता? नहीं एक जगह एक वो लेके आएगा, पानी ऐसे पकड़ेगा भाई, एक बार ताला लगा। नहा रहे थे इतनी मस्त फाइट हो गई, एक दूसरे की चड्डी मार दी। ओ तेरी, फिर वापस कैसे आए? वापस कैसे आए? चड्डी फेंक दी नदी में, पैंट पैंट पहन लिया भाई, तुम खतरनाक हो। तुम बोला ऐसी क्या लड़ाई हुई, सीधे चड्डी पे हाथ गया तुम लोग हैं? चलो ठीक है भाई, कल 2 बजे याद रखना, मेरे को बुलाना मत भूलना। सो गाइस चलो पहुंच गए अपने घर, आज मैंने 2 व्लॉग बना लिए। ओ शिम्बू अभी तो यहीं पे ही है, अभी आया, होगी नींद पूरी, होगी नींद पूरी हो गई, सुबह सुबह आया था, खाना वाना खा के यहीं सो गया थोड़ी देर, है होगी नींद पूरी। भाई कल का प्लान तो फिक्स है, कल मैं नदी में जाऊंगा 2 बजे। क्या करने? तैरने के लिए। पानी है भी नदी में? बहुत पानी है नदी में, दिख रहा हूँ मैं। तो गाइस ये है गरिमा परु, ये हमारी जो ताई जी है उनकी पोती, और ये डॉगी भी इसी का ही है चिम्बा। बस ऐसे कुछ छोटे छोटे पलों के साथ बाकी का दिन भी पूरा बीत जाता है, और आज का व्लॉग भी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप गाइज आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, नई जर्नी में, तब तक के लिए नमस्कार।